लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए प्रचार के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में रोड शो किया। इसके बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 30-35 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलने दे रही है। टीएमसी शासन के तहत पश्चिम बंगाल में लोग लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि तृणमूल जैसे भ्रष्टाचारियों को बंगाल से हटाना होगा, यहां कटमनी की संस्कृति खत्म करनी होगी। अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। यहां रुपए वसूली के कल्चर को खत्म करने के लिए तृणमूल की हार सुनिश्चित करनी होगी। बंगाल में संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपने 18 सीटें दी हैं, मोदी जी ने राम मंदिर दिया। आज हनुमान जयंती का दिन है और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। 500 वर्षों से रामलला को टेंट में बिठाकर रखा था। बंगाल वालों ने 2019 में 18 सीटें दी और राम मंदिर का केस भी जीता। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। आप इस बार 35 सीटें दीजिए, मैं घुसपैठ रोकूंगा। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया है।